सो यहाँ पर मेरा एनपीएम रन स्टार्ट चल रहा है, और अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि कैटेगरी पास करना चाहता हूँ एपीआई को, यानी कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी अलग हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं किसी और तरह की कैटेगरी की न्यूज़ को पुल करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकूँ। तो ये सारे काम मैं कैसे करूँगा, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे न्यूज़ एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पर, और वहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये काम किए जा सकते हैं। अच्छा, न्यूज़ एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा बहुत पढ़ते वक्त मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि एवरीथिंग वाला एंड पॉइंट एक तो है इनका, इनके दो मेजर एंड पॉइंट्स हैं, एक तो एवरीथिंग है, टॉप हेडलाइंस है। तो स्लैश एवरीथिंग अगर आप करते हो तो आपको सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, आप स्लैश टॉप हेडलाइंस करते हो तो आपको टॉप हेडलाइंस मिलती हैं। ये जो सोर्सेज वाला यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, ये आपका टॉप हेडलाइन पे ही काम करता है, वरना क्या होता है कि ये सोर्सेस काम नहीं करता है एवरीथिंग पर, ठीक है। तो अगर आपको कैटेगरी इज इक्वल टू पास करना है, जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल हेल्थ, तो आपको इनकी टॉप हेडलाइंस वाला एंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो टॉप हेडलाइंस वाला एंड पॉइंट है जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, यहाँ पर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया है, और उसी के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्री इज इक्वल टू इंडिया मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ ये इंडिया को, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया जहाँ पर है, मैं कंट्रोल एफ करूँगा, कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल एफ करूँगा, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया को किस चीज़ से मैं रिप्लेस करूँगा, मैं कंट्री इज इक्वल टू आई एन को रिप्लेस करूँगा कुछ इस चीज़ से, ठीक है। और कंट्री नहीं, प्रॉप्स डॉट कंट्री, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कंट्री, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कंट्री, तो यहाँ पर मैं इससे रिप्लेस करूँगा। ये करने से क्या होगा, ये करने से कंट्री इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कंट्री हो जाएगा, और अब मैं कंट्री को एज अ प्रॉप पास कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा ऐप डॉट जे एस से ही मैं सारे प्रॉप्स पास करूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्री इज इक्वल टू आई एन कुछ इस तरह से पास करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और थी कि क्या प्रॉप टाइप्स में क्लास बेस्ड कंपोनेंट में डाल सकता हूँ, ऑब्वियसली डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिएक्ट प्रॉप टाइप्स क्लास बेस्ड, ठीक है। देखो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, देखो आई एम पी टी करके आप इम्पोर्ट कर सकते हो जो हमारे प्रॉप टाइप्स हैं, तो आई एम पी टी तो लिख ही देना, ये तो यार आपको अब याद हो ही गया होगा, अभी तक आई एम पी टी लिख कर इम्पोर्ट प्रॉप टाइप्स हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बना लूँगा प्रॉप टाइप्स लिखने के लिए क्लास के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, तो यार आपको सिंपली प्रॉप टाइप यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पर यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर मैं स्टैटिक सर्च करूँगा, और आपको देखो यहाँ पर मिल जाता है स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स। आप यहाँ पर डिफॉल्ट प्रॉप्स भी डाल सकते हो, और आप यहाँ पर प्रॉप टाइप्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो प्रॉप टाइप्स डालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टैटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स लिखा, वैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉप टाइप्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि नेम स्ट्रेंजर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मेरे कौन कौन से प्रॉप्स हैं यहाँ पर, एक तो कंट्री है, ठीक है, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या प्रॉप पास किया जा रहा है, पेज साइज, पेज साइज क्या करूँ, पेज साइज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 ही कर देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर 8 कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे प्रॉप टाइप्स हैं, नेम मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉप टाइप एरे और रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं पी आर लिख देता हूँ इसको, पी आर प्रॉप टाइप डॉट एरे डॉट रिक्वायर्ड, तो पी टी ए आर होता है शायद, वो हाँ पी टी ए आर, पी टी बी होता है शायद प्रॉप टाइप बुलियन, और रिक्वायर्ड पी टी बी आर होता है। तो नेम क्या है, नेम नेम तो कुछ भी नहीं है, कंट्री एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रॉप टाइप डॉट एरे, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग, पी टी एस, प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग, और पेज साइज क्या है, पेज साइज है प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर। अब मेरा प्लान आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना कि मेरा प्लान क्या है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ में होम अबाउट दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरीज हैं जो कि इन्होंने बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जर्नल ये सब दे रखी हैं, मैं काम करता हूँ इसको एक नई फाइल में लेकर, और यहाँ पर इसको न्यू लाइन से रिप्लेस करके आप लोग को दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या प्लान है। मैं बेसिकली ऊपर नैव बार के अंदर ये सारी कैटेगरीज रखना चाहूँगा। कोई भी इंसान हेल्थ पर अगर क्लिक करता है तो उसको हेल्थ कैटेगरी दिखनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर क्लिक करता है तो ये दिखनी चाहिए, तो मैं ये सारी कैटेगरीज को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा नैव बार डॉट जे, सबसे पहले तो इन सारी कैटेगरीज़ को और मैं इस वाली फाइल को अभी के लिए रखूँगा, और मैं बता रहा हूँ आपको ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं जब कर दूंगा तब पता चलेगा आप लोगों को। बेसिकली मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड की कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी कैटेगरीज हैं इनको पास करेंगे एज प्रॉप्स। अब कहाँ पर पास करेंगे ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग नैव बार के अंदर इन सारी कैटेगरीज को ऐड करेंगे। कहाँ पर, एज लिस्ट आइटम्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक लिस्ट आइटम ऐड हो रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ऐसे ऐड कर दूंगा, तो अभी क्या आएगी, ये बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जर्नल, ये मैंने एज अ प्लेन टेक्स्ट कॉपी कर दिया है, लेकिन मैं इसको एज अ लिस्ट आइटम बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं
ऑल्ट शिफ्ट और क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मल्टीपल कर्सर्स आ गए। अगर आपका जो सोर्स कोड एडिटर है वो मल्टीपल कर्सर सपोर्ट नहीं करता है तो आप शायद ये ना करें, तो विजुअल स्टूडियो कोड में तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पर क्या किया कि जो ए टैग था उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और एरो की दबा के कंट्रोल एक्स करूँगा, ये सारे चले गए। एंड की दबाऊंगा, सारे एरोज एंड में चले गए। कंट्रोल वी करूँगा, ये सब चले गए, और एल आई को मैनुअली टाइप कर लूँगा। अगर आप इस काम को किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन, ठीक है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो एक्टिव है इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये यहाँ पर देखो अबाउट 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 हो गए सारे एच रेफ्स, बट अभी के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं, हम फिक्स कर लेंगे। तो अभी न्यूज़ बंकी कुछ ऐसी दिख रही है, देखो होम अबाउट बिजनेस एंटरटेनमेंट जर्नल हेल्थ साइंस स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ऐप डॉट जे एस है इसमें मैं कैटेगरी पास करूँ, और लेटेस्ट से मैंने साइंस पास की कैटेगरी, तो मैं इस कैटेगरी को अपने यू आर एल के अंदर एम्बेड करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है मेरे कहने का। तो यहाँ पर मैं प्रॉप टाइप्स में कैटेगरी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर पी टी एस रख देता हूँ। मुझे इसको एक्चुअली यहाँ पर डालना है प्रॉप टाइप्स, क्योंकि यहाँ पर है और ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में जनरल रखता हूँ, ठीक है। मुझे कैसे पता जनरल एक कैटेगरी है, यहाँ पर मैंने देखे, देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है कौन कौन सी कैटेगरीज उपलब्ध है, ठीक है, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ एंड पॉइंट्स को। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इस यू आर एल को दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ इस यू आर एल को, मैं इस यू आर एल को दे सकता हूँ कैटेगरी। तो यहाँ पर देखो जो एंड ए पी आई की इज इक्वल टू है, मैं कंट्रोल एफ करूँगा, मैं कहूँगा ये सारे के सारे यू आर एल्स में से जहाँ पर एंड ए पी आई की इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या करो कि ऐड कर लो एंड ए पी आई की इज इक्वल टू से पहले क्या ऐड कर लो, ये चीज़ ऐड कर लो, ये जो चीज़ कैटेगरी के लिए है ये ऐड कर लो। पहले तो कंट्री पास करी थी हमने, लेकिन अब मैं एक कैटेगरी भी पास करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कैटेगरी इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसको बंद भी करूँगा इस तरह से, तो कैटेगरी इज इक्वल टू ये आ जाएगा इसकी जगह पर, और एक एम परसेंट भी रखना पड़ेगा क्योंकि एम परसेंट भी रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। रिप्लेस ऑल करता हूँ और देखता हूँ यू आर एल ठीक बना कि नहीं। हाँ यू आर एल ठीक बन गया, कैटेगरी इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी यहाँ से पास की जाएगी वो यहाँ यू आर एल को मिल जाएगी, अपडेशन के टाइम पर भी और कंपोनेंट अमाउंट के टाइम पर भी। तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, और अभी देखते हैं चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। न्यूज़ बंकी को मैंने साइंस पास की थी कैटेगरी, और ये साइंस के आर्टिकल्स दिखा रही है। अगर मैं स्पोर्ट्स पास करूँ तो क्या होगा, क्या मुझे स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे? मिलने तो चाहिए और मिल भी रहे हैं यार, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बहुत बढ़िया, सारे के सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं। क्या नेक्स्ट करके भी मुझे आर्टिकल्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, बढ़िया। क्या और नेक्स्ट करके भी आर्टिकल दिख रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, और एक और नेक्स्ट करूँगा तो वापस से मुझे मिलेंगे, और यहाँ पर देखो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता रह सकता हूँ जब तक आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। किसी भी आर्टिकल को मैं खोल सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, जैसे कि देखो प्लेयर रिप्लेसमेंट हो रहे हैं आईपीएल में, कौन कौन रिप्लेस हो रहा है देख ही लेते हैं जल्दी से। एडम जैम्पा रिप्लेस हो रहे हैं, और अच्छे प्लेयर्स देखते हैं, जोफ्रा आर्चर रिप्लेस हो रहे हैं, उसी के साथ साथ पैट कमिंस भी रिप्लेस हो रहे हैं, बट टिम साउदी से रिप्लेस हो रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ गुड बॉलर, ठीक है, तो अच्छे बॉलर हैं टिम साउदी भी। तो क्रिकेट का भी और डिस्कस करेंगे, अभी इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वापस से आऊँगा न्यूज़ ऐप के अंदर, और मैं अब बेसिकली क्या चाहता हूँ कि रिएक्ट राउटर सेटअप करना चाहूँगा, जिसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ ऊपर वाले इन टैब्स में, ठीक है, जैसे ही मैं इन टैब्स में क्लिक करूँ, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है टैब्स, तब एंटरटेनमेंट पर क्लिक करके एंटरटेनमेंट दिखे, जनरल पर क्लिक करके जनरल दिखे, हेल्थ पर क्लिक करके हेल्थ दिखे, एंड सो ऑन, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रिएक्ट राउटर का सेटअप ढूंढना पड़ेगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जैसे ही एंटरटेनमेंट पर कोई क्लिक करे तो मैं क्या करूँ स्लैश एंटरटेनमेंट पर चला जाऊँ। जैसे कि मेरी मान लो ये ऐप होस्ट होने वाली है माई न्यूज़ मंकी डॉट कॉम पर, तो माई न्यूज़ मंकी डॉट कॉम स्लैश एंटरटेनमेंट पर कोई भी जाए तो उसको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल सीखें, स्लैश साइंस पर जाए तो साइंस से रिलेटेड सारे आर्टिकल सीखें। उसके लिए रिएक्ट राउटर को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, रिएक्ट राउटर को सेटअप करेंगे, और कुछ ऐसा करेंगे कि अगर कोई भी क्लिक करे इन पर तो हमारे जो राउट्स हैं वो चेंज हों सबसे पहले तो ऊपर। अभी तो ये स्लैश अबाउट है जो कि नहीं होना चाहिए था, इसको स्लैश अबाउट अभी के लिए होम पेज मुझे यहाँ पर देखना है। स्लैश अबाउट अगर मैं इसको कर भी देता हूँ तब भी आर्टिकल्स लोड हो रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ सेटअप ही नहीं किया है रिएक्ट राउटर, अबाउट कंपोनेंट ही नहीं है। होम पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो पेज भी नहीं लोड हो रहा है क्योंकि एच रेफ यूज़ किया हुआ है मैंने, लिंक टू यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में,
और यहाँ पर आप लोग जो है इस ऐप को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना। एक कमेंट आया था कि ये जो स्पेस है ये थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, तो यार इसके लिए कस्टम सीएसएस लिखी जा सकती है। आप कस्टम सीएसएस लिख लो, एक स्टाइल इज इक्वल टू दे दो इसको H1 को, या इसमें MY3 वापस दे दो H1 को भी, तो भी काम चलेगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन में क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 23 पिक्सल 0 पिक्सल कर दूँ तो टॉप बॉटम से 23 हो जाएगी, लेफ्ट राइट से 0 हो जाएगी। तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये स्पेस ठीक लग रही है तो बता देना, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ये स्पेस कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। मैं 40 कर देता हूँ, चलो स्पेस, अगर किसी को लग रहा है कि ये कम या ज़्यादा है तो ठीक है। तो अगर मैं ये 0 पिक्सल ना भी लिखूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, मार्जिन को 40 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो H1 है हमारा, इसमें मार्जिन को 40 पिक्सल कर देता हूँ। 40 थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं इसको 35 ही करूँगा, ठीक है। किसी को कम लग रही हो तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकता है अपने कंप्यूटर में। मैं कहाँ पर जाऊँगा इसको करने के लिए, न्यूज़ के अंदर ही रहूँगा। और ये जो टेक्स्ट सेंटर है इसमें एक स्टाइल स्टाइल इज इक्वल टू, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाऊंगा जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ इस बात के लिए, फिर एक लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर मार्जिन को मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर दूंगा। और अभी जो है इसको 35 करूंगा, 35। और अभी जो है ये इसको रिलोड भी करूंगा तब भी 35 की मार्जिन आ गई। ये अच्छा लग रहा है अभी, 35 इज़ फाइन, मेरे हिसाब से 30 भी फाइन है, बट ठीक है, थोड़ी दूरी बनाना अच्छी बात है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आर्टिकल्स आ रहे हैं, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया ऐप चल रही है। अब इन टैप्स को हमें बनाना है। एक बार एक चीज़ और देखना चाहूँगा यहाँ पर, वो क्या है कि फ़ोन में कैसी दिख रही है ऐप, क्योंकि अगर फ़ोन में गड़बड़ दिख रही है ऐप्स तो हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐप जो है फ़ोन में भी ठीक ठाक दिख रही है। नेक्स्ट करूँ अगर मैं तो बढ़िया यार, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। अगर मैं कोई भी क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो फ़ोन में सही चल रही है। हाँ एक चीज़ की जा सकती है कि ये जो हमारा डिव है, ये वाला डिव क्लास इज इक्वल टू कार्ड, ये सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको सेंटर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटर नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके ढूंढूँ तो इसमें एक विड्थ दे रखी है 18 RAM की, जिसकी वजह से ये पूरी स्पेस नहीं ले पा रहा है। तो अगर मैं ये विड्थ हटा दूँ तो ये सेंटर हो जाएगा, देखो पूरी स्पेस लेगा। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी कर दूँ तो ये भी अच्छी स्पेस ले रहा है, विच इज़ गुड यार। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, इस 18 RAM को हमने रखा ही क्यों एक्चुअली, getbootstrap.com से जब मैं कोड कॉपी करके लाया था तो ये 18 RAM रखा हुआ था, पता नहीं क्यों। तो न्यूज़ आइटम के अंदर जाके जो 18 RAM का स्टाइल है इसको हटाते हैं, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, सेव करता हूँ। और मेरे हिसाब से यार हमने ऐप को और बेहतर बना दिया, अपियरेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया हो गई है ऐप हमारी, और बिल्कुल यूनिफॉर्म दिख रहे हैं अभी आइटम्स। एक्चुअली विड्थ मिल गई है, जगह मिल गई है सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स को। तो कैटेगरी चेंज करके देखते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पर साइंस रखूँ तो यहाँ पर देखो साइंटिफिक आर्टिकल्स दिख रहे हैं, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने काफ़ी बढ़िया बना लिया है, और अगर फ़ोन में देखें तो भी ऐप बहुत बढ़िया है, वाह भाई वाह, अब तो और भी अच्छा लग रही है ऐप हमारी। नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से दिख रही है, फ़ोन में भी लोग इन्जॉय करेंगे इस एप्लीकेशन को। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर कोई भी एंड पॉइंट चेंज करेगा तब भी रिलोड हो रहा है, बट अभी इन एंड पॉइंट्स पर काम बाकी है, रिएक्ट राउटर का सेटअप बाकी है जो कि अगली वीडियो में किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव करो, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लो इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I will see you next time.